दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हम जो भी काम करते हैं, चाहे अभी आपसे बात कर रहे हों या YouTube के सामने बैठे हों, तो हमेशा कभी ना कभी हम लोग हर एक काम के लिए ही एनर्जी का जो यूज़ है वो करते हैं। अपनी बात को पहुँचाने के लिए, ये वीडियो का सोर्सिंग के लिए, या वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके लिए हर एक तरह का एनर्जी चाहिए। हमारी खाने की वजह से हम एनर्जी आ रहा है कि हम बोल पा रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आपको एनर्जी मिल रहा है, आप वीडियोस देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही आजकल एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, इथेनॉल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका सोलर हो गया, ये सारे जो हैं एनर्जी के माध्यम हैं। तो एनर्जी का भी एक सर्टिफिकेशन होता है, और अगर आप एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोलर का कुछ काम कर रहे हैं, या इथेनॉल का प्लांट लगा रहे हैं, या कुछ एयर से आप एनर्जी ले रहे हैं, किसी भी तरीके से आप एनर्जी से जुड़े हुए हैं और एनर्जी मैनेजमेंट का कुछ भी काम कर रहे हैं, एनर्जी पैदा करने का या एनर्जी रिलेटेड चीज़ें बनाने का, जैसे मान लीजिए आप टरबाइन बना रहे हैं, सोलर का जो पैनल होता है वो बना रहे हैं, तो आपको हमेशा ही एनर्जी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट का, मान्यता प्राप्त, वो आपको चाहिए होता है। तो आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो एनर्जी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि एनर्जी के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। देखिए, आप कंपनी बनाइए या कंपनी के बनाने के अलावा कुछ और भी काम कीजिए, जैसे जो बेसिक चीज़ है, MCMA रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका GST, आपका फैक्ट्री लाइसेंस, कंपनी लाइसेंस, फायर पॉल्यूशन, इसके अलावा भी एक एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी के लिए एक अलग सा सर्टिफिकेशन का ज़रूरत होता है, वह है ISO 50001। और जो भी एनर्जी की कंपनियां हैं उनके लिए ये मस्ट है कि वो इस सर्टिफिकेशन को लें। और इस सर्टिफिकेशन में आपको बताया जाता है कि जो भी आप एनर्जी का काम करते हैं तो उसका मैनुअल कैसा होना चाहिए, उसका तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं एनर्जी सेगमेंट में, आपका जो प्रोसेस सिस्टम है, अप्रोचिंग सिस्टम है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका जो परचेजिंग का सिस्टम है, डिफेक्ट का जो सिस्टम है, ये सारा चीज़ों के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके जो काम बनता है उसको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कर बोलते हैं। और ये जो एनर्जी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है, ये ISO 50001, ये सारी ये चीज़ें ऑडिट करने के बाद और देखने के बाद ही ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और 3 साल के लिए ये सर्टिफिकेशन होता है, और हर एक साल इसमें रिन्यू होता है, जिसमें देखा जाता है कि आपको जो गाइडलाइन दिया गया ISO के तहत एनर्जी मैनेजमेंट का, उसका आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से आपने उसको बनाया और अपने कंपनी को आगे बढ़ाया। तो अगर आप भी एनर्जी से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या उसका सर्टिफिकेशन बनाना चाहते हैं, या पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे ISO हुआ, उसका ट्रेडमार्क हुआ, कंपनी बनाना हुआ, कंप्लाइंसेस हुआ, या मान लीजिए मार्केटिंग हुआ, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे एक सिंगल विंडोज़ पर आ सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको ये एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और बाकी कैसे काम होता है इसकी जानकारी देंगे, और आप एक बिजनेस प्लान बना के अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है या हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है, वो सारा कुछ आप लोगों के लिए दिया हुआ है। और अगर आप व्हाट्सएप पे भी जानना है, या ऑनलाइन मान लीजिए कंसल्टेंसी लेना है, या टाइम बुकिंग करना है, तो हमारा जो नंबर है 9230222490, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्रोसेस है, कितना फीस हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है एनर्जी मैनेजमेंट, और ये फ्यूचर में ज़्यादा चलने वाला है। अभी तक जो चला वो चला, डीजल पेट्रोल जो भी चला, मगर फ्यूचर में एनर्जी का जो अल्टरनेटिव सोर्स है वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग इसमें आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।